एक चीज ये कि मेरी एक 8 ईयर ओल्ड की बेटी है और उसको शायद मेरे पास में ये रह चुका है, शायद मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, आप डोपामिन गए हैं या कुछ भी, मगर तारीफें सुन सुन के बहुत ही इन्फ्लेटेड हो चुकी हूँ और अब्रॉड से आप पढ़ी ये हुई वो हूँ, सेल्फ मेड. मैं एज एन इंडिविजुअल शादी से पहले, Can you use that word और again? मेरी तारीफ में सुन सुन के अपन मैं क्या हो चुकी हूँ? मैं बहुत शायद बहुत इन्फ्लेटेड हो चुकी हूँ तारीफ में सुन सुन के अपनी जिंदगी में. ओके ओके और इस वजह से भी क्योंकि मैं सेल्फ मेड लड़की हूँ, 22 में मैं लंदन चली गई थी और अपनी फाइनेंसिस पर मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी में अचीव किया टिल द एज ऑफ 30. नाउ अब मेरी जो 8 साल की बेटी है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी डोपामिन मेरी इंक्रीज हो चुकी है कि कहीं जरा सी नेगेटिविटी होती है तो मैं बहुत ही ज्यादा अजीब सी हो जाती हूँ. ये मुझे अपने आप में पसंद नहीं है क्योंकि शायद मैं अपनी माँ की आइडियल रह चुकी हूँ. मेरी बेटी भी बात बात पर उसको अपनी तारीफें रिपीट करती है. मेरे अंदर भी ये हैबिट थी, कहीं कुछ होता था, कोई मेरे बारे में अच्छा बोलता था, मैं अपनी बहनों को बताती थी तो कहती थी अपने मुंह से अपनी तारीफें बार बार नहीं करो. और मैं इसलिए थोड़ा सा दरअसल अजीब सी हो रही हूँ, बिकॉज मेरी आज तक कभी किसी ने सुनी नहीं है कॉल्स, तो मैं जी यही लग रहा था कि आप भी नहीं अटेंड करेंगे. तो कहने का मकसद ये है कि मेरी 8 ईयर ओल्ड बेटी को मैं नहीं चाह रही कि वो जिस तरीके की मैं निकली हूँ वो निकले, और वो जरा सी तारीफ होती है तो वो ऐसे काम करती है जिसमें उसकी बार बार रेपिटेटिव तारीफें होती रहे और वो रिपीट करती रहेगी, और बहुत ही हेल्पफुल है वो. दूसरी चीज ये कि पहले मैं उसको हिफ्स करवाना चाहती थी, फिर मैंने क्विट कर दिया हिफ्स का, उसका पूरा का पूरा सिनारियो. उसकी वजह ये थी कि मुझे ऐसा लगा कि कुरान रटने से बेहतर है पहले मैं उसकी लाइफ में कुरान को इम्प्लीमेंट करवा दूं, ताकि मैं अगर मर जाऊं तो मेरे पीछे एक मेरी औलाद अपनी जनरेशन को रिपेयर कर दे पूरी की पूरी. जो इम्प्लीमेंटेशन जो होनी चाहिए थी मेरी लाइफ में वो नहीं हुई. अब मैं थोड़ी थोड़ी खुद ब खुद चीजों को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ. दूसरा मेरा बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी जो बात की हस्बैंड की, माई हस्बैंड इज अ वंडरफुल मैन, बट देन अगेन पाकिस्तानी मर्द है वो, ये होता है कि जी बाहर से सब कुछ कर लें और घर आकर बस एक हग कर लिया, किस ऑन ऑन द चीक, और उसके बाद वो कहते हैं जी सारी जिंदगी ठीक हो गई और सारे गुनाह माफ हो गए. मैं अपने बच्चों के सामने कुछ बातें इसलिए नहीं बोल पाती ताकि वो मैरिज को लेकर आगे नेगेटिव ना हो जाए. कभी कभार मेरी येलिंग होती है तो मुझे बुरा लगता है कि मेरी बेटी देख रही है और मैं नहीं चाहती कि वो शादी को लेकर नेगेटिव हो जाए या मेरी वजह से आगे किसी भी तरीके से मेरे बच्चों को कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट मिले शादी के रिलेशनशिप्स में. मैं अपने बच्चों की अभी अर्ली स्कूलिंग के लिए भी मतलब रेडी नहीं हूँ, मेरे 2 बच्चे और भी हैं. मैं सिर्फ ये चाहती हूँ जो बच्चे जो कर रहे हैं अपने हिसाब से सीख रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में सेट हो जाए, और कुरान वगैरह सब कुछ मैं इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा चाहती हूँ, रटवाने में मैं मुझे अब ऐसा लगता है मैं बिलीव नहीं करती हूँ. कितने कितने हो साल के गया मेरा बच्चे हैं आपके? क्वेश्चन? मेरी बेटी 8 साल या 8 साल की है, बेटा 4 का है और सबसे छोटी 1.5 साल की, 3 बच्चे हैं मेरे. अगर अब आपको मुझे ये ऐसा लगता है कि लगता है कि शायद बहुत नेगेटिव हूँ, आप बहुत नेगेटिव हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हूँ हर चीज पर, से वैसा ही लगता है कि मैं जो बात पहली कह रही हूँ वो नेगेटिव ही होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर रही, इसलिए मैं कांस्टेंट आप लोगों को सुनती रहती हूँ, उससे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखती हूँ, और मुझसे छोटी जो लड़कियां होती हैं अब मैं उनको कंसल्ट करती हूँ, जो जैसे जो आलिमाएं होती हैं उनसे अपने आप को हार्नेस करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम किसी वक्त भी आ सकता है, मैं किसी वक्त भी मर सकती हूँ. कुरान मैं इनको इम्प्लीमेंट करवा दूँ बनिस्बत रटवाने के, ताकि मैं अगर मर जाऊं तो मेरे पीछे बच्चे किसी और के लिए प्रॉब्लम, यू नो एक सोसाइटी में एक बंदा जो कंट्रीब्यूट करता है वो वैसे मेरे बच्चे बन जाए, उनसे किसी को प्रॉब्लम ना हो. हाँ मगर मैं अपने बच्चों को वीक भी नहीं बनाना चाहती कि वो हरेस होते रहे, तो आप मुझे सिर्फ इसमें गाइड कर दें कि मतलब मैं सही कर रही हूँ या मैं बेवकूफियां मार रही हूँ एज यूजुअल. You did not, even though you had a very long statement and bunch of statements to give me, data आपने फिर भी मुझे नहीं दिया, so I cannot comment कि आप सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं, आप सोच क्या रही हैं, सही सोच रही हैं, वही मैं आपको, I can comment on that. ये हाँ कुरान पाक को समझने के लिए, जी दो तीन स्किल सेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो तो देना फिर बच्चों को. आपने क्या किया बच्चों को? आपने कहा मैं रटवाना नहीं चाहती, 3 दफा आपने कहा है मैं कुरान रटवाना नहीं चाहती, समझा समझ क्या क्या किया आपने उसके लिए? मैं उसके लिए उनको मीनिंग्स बताती हूँ कुरान के, उनको हदीसें सुनाती हूँ, या फिर मैं उनको नबियों के किस्से बताती हूँ और उसके पीछे ये बताती हूँ कि इसका मोटिव क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था. एक ये चीज, कितने साल और की दूसरा बच्ची ये है कि आपकी? आप मुझे ये आठ जरूर साल बताइए, से बाकी के बच्चों की उम्र 8 साल क्या की है, उसको बहुत शौक है ये सब सुनने का.
8 साल की, 4 साल वालों को और 1.5 साल वाली को तो मैं एंटरटेन ही नहीं करती इन मामलों में, मैं उनको लेट लूज, उनको जो भी वो करना चाहते हैं आई लेट देम डू, मगर 8 साल वाली ऑन पर्पज आकर मुझे बोलती है कि आप मुझे वो सारे नबियों के किस्से सुनाए, उनके पीछे क्या था, अच्छा ऐसा क्यों किया उन्होंने, तो मैं आई थिंक उनको वो किस्सों आपका के नाम थ्रू क्या? लाइफ टीचिंग। मदीहा, मतिया, मतिया, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 40। Okay, you're old enough to understand a few things. First of all, foremost, I think you should have an immediate dialogue with your husband, okay, and not in the presence of your daughters, and not just a dialogue, a series of dialogues. Constant dialogue ki aadat dalne apne shohar ke saath, theek hai? There's a certain residual anger I sense, and I think it's going to blow up in your girl's face. Okay, I don't want that to happen at some point in time. Now, मैं दोनों फरीकों की बात सुने बगैर कभी भी नहीं कोई फैसला कर सकता, तो क्या पता योर हस्बैंड आल्सो हैज अ स्टोरी कि भाई अ हग एंड अ किस ऑन द चीक इज द ओनली थिंग आई कैन गिव हर बिकॉज़ ऑफ सो एंड सो मेनी रीजंस. ओके, सो मेबी ही इज ट्राइंग टू, यू नो, मेबी यू आर राइट, मेबी यू आर नॉट. आई एम जस्ट सेइंग, इवन इफ व्हाटएवर यू आर सेइंग इज एक्यूरेट ऑन द टी, डज नॉट रियली मैटर नाउ. यू गॉट 3 गर्ल्स, ओके, वी आर प्रायोरिटाइजिंग देम. 2 गर्ल्स एंड अ बॉय. Okay, 2 girls and a boy. मतलब 3 बच्चे हैं ना आपके. You need to prioritize के positive psychology के साथ बच्चे को पालने के लिए उसके brain की एक खास age-wise staging हुई भी है. Which stage is your middle child going through? I know. Your eldest, what's her name? Inaya. Inaya is going through she's on the cusp of a very critical stage in her brain life. Okay. तो उसको पता होना, आपको पता होना चाहिए कि ओके नाउ शी इज ट्रांजिटिंग थ्रू ए सर्टेन फेज इन हर लाइफ, ब्रेन फेज, वेयर नाउ शी कैन, शी इज गोना डिमांड अ लिटिल मोर देन जस्ट स्टोरीज, यू नो. तो खाली स्टोरी टेलिंग से शी विल बी लाइक, ओ बहुत हो गई सिंड्रेला कहानियां, सब ठीक है, साबी भी बता दे, नबी भी बता दे, मोटिव मोटिव की प्लेसमेंट बताएं, विलन किधर है, हीरो किधर है, व्हाई इज विलन द विलन, व्हाई इज हीरो द हीरो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. So that she can relate कि मेरा बाप कहीं जगह पे विलन है मेरा as a husband, और मेरा बाप कहीं जगह पे हीरो as a father, इसको मैं बैलेंस क्यों नहीं करवा सकती, ठीक है? क्या पता, क्या पता मैं अपनी बेटी को, सॉरी टू कट यू ऑफ, अगर मैं अपनी बेटी को फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर वो फादर के बारे में कोई नेगेटिव बात बोलती भी है, तो मैं टाइम टू टाइम इन सिक्लूजन उसको ये बताती हूँ कि फादर की एफर्ट्स क्या हैं ऑल अलोंग, या वो कितनी मेहनत करके आते हैं, बिकॉज़ आई डोंट वांट फादर टू बी नेगेटिव. That's big of you, and I think ये एहसान है जो आप अपने शोहर पे कर रही हैं, और I hope कि आपके शोहर भी आप ऐसी एहसान करें. If he has residual anger कि अपनी बीवी की गीबत नहीं करते, वो कभी बच्चों के सामने मेरे लिए नेगेटिव नहीं बोलते. अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, वो मेरे बच्चों के सामने नहीं करते. मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जो ये जो डोपामीन वाली जो मैंने आपको बात बोली ना, एक और कि मेरी बेटी को तारीफें सुनने की आदत हो गई है, मुझे लगता है ये डीप डाउन एक कोई प्रॉब्लम है कि आप सबके सामने ऐसे काम करें. अभी से आपने कुछ ना किया तो okay, and I'm not pointing out a man, I'm just giving a phrase here, okay? I'm sure he's doing some good things in his own life as well, but narcissism is way beyond repair unless addressed at the right age. Okay, baad mein wo bichari phir, so what is the age aapko bolti hai, this is the age, and I before she hits 12 you gotta do whatever you can to actually start to main karun kya, yahi mujhe samajh nahi aata, marna main nahi chahta, nahi marne ke liye kaun keh raha hai, डोपामिन का सेंटर मारने से रिट्रैक्ट होता भी नहीं है, इसलिए फिक्र ना करें, मारने से कोई फायदा नहीं होगा. इफ एनीथिंग वो आपके सामने नहीं करेगी, बाकी की जगहों पे वो डबल डिमांड करेगी कि मेरे मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए. पनिशमेंट इज इज अ लेटर स्टेज, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज द यू नो सेकंड स्टेज, एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज द फर्स्ट स्टेज. ओके, सो पॉजिटिवली रीइंफोर्स करके उसको फेज आउट करें, टेपर डाउन करें, और डायलॉग करें बच्चे के साथ. नाउ शी इज ओल्ड इनफ, नहीं समझ आ रही उसको, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करें. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है वो वाली चीजें जो उसको पसंद है वो ले ली जाए. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जो वाली चीजें जो उसको पसंद है उसको दे दी जाए, ठीक है?
और सजा का मतलब होता है वो वाली चीजें जो उसको नहीं पसंद वो दी जाए. ओके 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 दैट मेक्स सेंस. या आई होप जो इतने आपके मैं लेक्चर सुनती हूँ और आई होप जितने टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ मैं, इट विल पे ऑफ Inshallah, only Allah is going to do that. Don't worry, I'm not going to do that. Inshallah. Okay, yeah. So, thank you very much. Yeah. So, I hope you've got your bigger part of the I did. Brilliant. Thank you very much. Jazakallah. Thank you. Barakallah. Okay. Good praising people. Okay. Thanks.